हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से आप सभी भाइयों को नया साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको नया साल। और आज इस खुशी के मौके पर मैं आपके लिए बहुत शानदार एक प्रोडक्ट लेकर आया हूं, सनसुई का रैक सिस्टम कंप्लीट, जिसमें आपको एक पावर एम्पलीफायर मिलता है, एक प्री एम्पलीफायर मिलता है, एक डबल कैसेट प्लेयर जो कि ऑटो रिवर्स है, और एक डिजिटल ट्यूनर। दोस्तों बहुत शानदार मिंट कंडीशन में, 100% मिंट कंडीशन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये साल का पहला दिन, और मैं बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपके लिए आज मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ, जो आप अपने ड्राइंग रूम में लगाएंगे तो इसमें इसकी शोभा काफ़ी बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं ये मेरा प्रोडक्ट, जिसमें चार पीस हैं, अलग अलग रैक सिस्टम है ये चार पीस के। ये देख सकते हैं फोर पीस में है ये। तो चलिए मैं इनके मॉडल नंबर पहले बता देता हूँ। सबसे पहले शुरू करता हूँ पावर एम्पलीफायर से। ये इसका पावर एम्पलीफायर है, इसका मॉडल नंबर है स्टीरियो पावर एम्पलीफायर B3000। और ये स्टीरियो कंट्रोल एम्पलीफायर यानी प्री एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर है C1000। यह है स्टीरियो कैसेट डेक, जिसका मॉडल नंबर है D3000WR। यहाँ दिखा देता हूँ, ये ट्यूनर है, जिसका मॉडल नंबर है क्वार्ट डिजिटल सैनिटाइजर ट्यूनर T1000। सैनिटाइजर ट्यूनर होता है ये डिजिटल डिस्प्ले में। बहुत अच्छे कंडीशन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। चलिए मैं इसमें अब आपको कुछ प्ले करके दिखाता हूँ। आज का वीडियो थोड़ा सा मैं आपका समय ज़्यादा लूँगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि सबकी वर्किंग दिखानी है और कनेक्शन भी दिखाने हैं। तो सबसे पहले पावर का ऑन ऑफ आप यहाँ से करेंगे। ये इसकी प्री का ऑन ऑफ है, कैसे एम्पलीफायर प्री, जो कि स्टीरियो कंट्रोल एम्पलीफायर पावर को कंट्रोल करेगी। ये इसकी कैसेट, उसका ये पावर ऑन है, ये इसके ट्यूनर का पावर ऑन है, ठीक है। और अब मैं इसको चला कर दिखाता हूँ। पहले सीडी चला कर दिखाता हूँ, यूएसबी। मैंने सीडी ऑप्शन पे लगाए हैं अपना यूएसबी प्लेयर, तो उसको मैं चला कर दिखाता हूँ। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका मेन वॉल्यूम है प्री एम्पलीफायर का। यहाँ से आप लोडनेस कर सकते हैं, ये बैलेंस के लिए, ये ट्रेबल के लिए, ये बेस के लिए। ये प्रोसेसर है, जैसे कि आप पीछे इसमें अटैच इक्वलाइजर लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं, तो प्रोसेसर को ऑन ऑफ करके बाकी ये सब फंक्शन काम करेंगे। इसमें आप फोन और टर्नटेबल भी चला सकते हैं, ट्यूनर, सीडी, टेप, और बाकी और दो ऑप्शन हैं इनपुट के, VCR B और DAT V। ये इसका कीबोर्ड के लिए, यहाँ आपको इनपुट लेनी है इसके फ्रंट पे, तो कीबोर्ड से आप यहाँ से भी इनपुट इससे ले सकते हैं। ये हाई फिल्टर के लिए है। ये इसका सॉफ्ट और शार्पनेस के लिए है ये टोन। तो बाकी चलिए मैं सीडी में कुछ प्ले करके दिखाता हूँ। ये मैंने दबाया था, ये ट्यूनर है, ये सीडी। ये मीटर की रेंज है, देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं, जो आपने डिस्प्ले की है एलईडी की रेंज का स्विच भी है इसमें, जिसने आप कम और ज्यादा लेना चाहते हैं इससे, ये देख सकते हैं। ये देखिए, देख सकते हैं, ये इसकी बेस के लिए है। अब मैं ये प्री कंट्रोल करके बता रहा हूँ आपको पावर में, तो केवल आउटपुट आने के बाद लीड के द्वारा इसमें चले जाएंगे फंक्शन, ये देख सकते हैं। इसकी ट्रेबल के लिए है, ये बैलेंस के लिए, देख सकते हैं, जो भी आप बैलेंस करेंगे लाइट एंड कम हो जाएंगी। ये बैलेंस, ये इसका लोड नेस है, जितना आप लोडनेस खोलना चाहें अपने स्पीकर के थ्रू, देख सकते हैं लोडनेस। तो ये मैंने आपको सीडी का फंक्शन दिखाया, जो कि सीडी पे ये यूएसबी प्लेयर लगा रखा था मैंने। अब मैं इसका आपको कैसेट प्लेयर चला के दिखाता हूँ। कैसेट के लिए आपको केवल टेप पे ऑप्शन करना है, ये टेप आ चुका, उसके बाद आप कोई भी कैसेट इसमें चला सकते हैं, दिखा देता हूँ। तो आपने जो पुश करनी है इसकी कैसेट प्लेयर, यहाँ एजेक्ट लिखा है, एक बार आप इसको पुश करेंगे, देख सकते हैं एजेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ही आप क्लोज, ओपन क्लोज यहाँ से ही करेंगे, ये देख सकते हैं, ओपन एंड क्लोज,
अब इसका प्ले, ये भी ऑटो रिवर्स है। ये ऑटो रिवर्स और इसका टेप पोजीशन दिखा देता हूँ। ये डोल भाई सी बी एंड ऑफ, डोल भाई देख सकते हैं। सब लोग मनाए सब कहे जो कहे मेरे मन क्या कोई, ये भी डोल भाई भी, ये भी ऑफ पे लग रात को जाग। ये है इसके रिकॉर्डिंग लेवल लेफ्ट एंड राइट, जो आप इनपुट द्वारा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और बाकी मैं आपको रिकॉर्डिंग भी इसमें करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग भी प्रॉपर ओके है। ये बिल्कुल नई कंडीशन का सेट मेरे पास आया है, तो रिकॉर्डिंग के लिए आपने दबाना है। नॉर्मल पे करेंगे तो एक बार नॉर्मल दबा देना, और हाई पे स्पीड पे करना चाहते हैं तो हाई दबा सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, दूसरी कैसेट चला के दिखाता हूँ, कैसेट टू। और इसका ये भी दिखा देता हूँ, ये इसका फॉरवर्ड है, काउंटर मीटर भी ओके है, देख सकते हैं। बहुत अच्छी कंडीशन में मेरे पास ये पीस आया है, दिखा देता हूँ। ये इससे एजेक्ट करेंगे, वन ये प्ले। ऑटो रिवर्स स्टॉप करेंगे, फॉरवर्ड स्टॉप करेंगे, रिवाइंड स्टॉप करेंगे, प्ले। ऑटो रिवर्स, आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के लिए आपने यहाँ ब्लैंक कैसेट लगानी है, और ओरिजिनल कैसेट ए साइड, वो बी साइड में यहाँ ब्लैंक कैसेट आप लगाकर, और अब आपने नॉर्मल लेनी है रिकॉर्डिंग, तो यहाँ से दबाएंगे, इसको दबाएंगे एकदम ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग ही हो जाएगी। और हाई स्पीड से करनी है तो यहाँ से दबा सकते हैं, जैसे आपने नॉर्मल पे दबाई ये देख सकते हैं। अब ये रिकॉर्डिंग चल रही है, इसकी रिकॉर्डिंग इसमें आ रही है। आइए आप थोड़ी रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, पहले हल्का सा इसको रिवाइंड करेंगे। ये देख सकते हैं, ये तो फॉरवर्ड हुआ, ये है रिवाइंड। रिवाइंड करने के बाद प्ले करके देखते हैं, ये इसकी रिकॉर्डिंग आ चुकी है, देख सकते हैं। ये इतनी ही हमने रिकॉर्डिंग करी थी, अब मैं आपको दिखाता हूँ हाई स्पीड से रिकॉर्डिंग। तो हाई स्पीड को आप यहाँ से दबाएंगे केवल एक बार, स्टॉप कर देंगे। अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसकी रिकॉर्डिंग को, थोड़ा फॉरवर्ड करेंगे। अब ये प्ले, हाई स्पीड एंड नॉर्मल स्पीड बिल्कुल एकदम प्रॉपर ओके रिकॉर्डिंग आ रही है। और मैंने इसका आपको कैसेट प्लेयर चला के दिखाया, और ये पावर एंड प्री एम्पलीफायर चला के दिखाया, सीडी चला के, ये ऑक्स चला के दिखाया मैंने इसका। और मैं आपको इसका ट्यूनर चला के दिखाता हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़ा एंटीना की सेटिंग करके आपको अभी दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब आपको सिलेक्टर्स इसको दबाना है आपने इसमें ट्यूनर पे, जैसे ये टेप पे था, अब आपको ट्यूनर पे दबाना है। ये ट्यूनर आ गया, अभी ट्यूनर पे आने के बाद आप यहाँ से ट्यूनिंग अप कर सकते हैं, यहाँ से डाउन कर सकते हैं। ये 1 से लेके 16 तक ये प्रीसेट मेमोरी सेटिंग करने के लिए है, मेमोरी से आप कोई भी स्टेशन यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये इसका FM AM के लिए, ये अप डाउन, ये ट्यूनिंग मोड स्टीरियो के लिए, हाई बिल्ड के लिए भी है, ये देख सकते हैं। तो चलिए मैं कोई स्टेशन लगाता हूँ, ट्यूनिंग करता हूँ। और मैंने यहाँ से भी इसको सेट किया हुआ है ट्यूनिंग से, ये देखिए 1, 2, 3, 4 ये सब ट्यूनिंग से। बारे में संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि श्री बैकुडंग रेलवे स्टेशन में फंसे 800 ये देखिए कृष्णा ज्वेलर्स सेंट्रल मार्केट। इससे आप यहां से मेमोरी द्वारा भी कोई स्टेशन सेट कर सकते हैं अपनी नई होंडा कार के साथ। हियर एंड सेलिब्रेट करने का टाइम आ ही गया, बचाव अभियान में लगाए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी मिलने पर। तो देखा दोस्तों, ट्यूनर फुल वर्किंग है, और ये कैसेट प्लेयर रिकॉर्डिंग भी मैंने इसमें करके दिखाई, फुल वर्किंग है। इसकी प्री एंड ये पावर बिल्कुल बहुत अच्छी मिंट कंडीशन में, बहुत अच्छी कंडीशन में मेरे पास आया है, और फुल वर्किंग है। तो चलिए इसकी बैक साइड और कनेक्शन आपको और बताता हूँ।
तो देख सकते हैं दोस्तों, ये इसकी बैक साइड है। सबसे पहले मैं आपको इसके पावर के कनेक्शन दिखाता हूँ, जो आपने जहाँ स्पीकर लगाने हैं ये देख सकते हैं। ये दो स्पीकर आप यहाँ लगा सकते हैं, दो नीचे लगा सकते हैं, चार स्पीकर टोटल इसमें चला सकते हैं। ये एसी आउटलेट लीड के लिए दिया हुआ है, पावर के एसी के लिए। आप कोई भी अपने ये सारे प्रोडक्ट इनमें भी लगा सकते हैं, एसी के द्वारा यहाँ भी लगा सकते हैं। और आपको केवल लाइन में एक ही ये कनेक्शन करना है, उसके बाद प्लग आप इनमें ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी अब मैं आपको मेन चीज़ इसकी आउटपुट की बताता हूँ, पावर की। ये पावर की आउटपुट होती है, देख सकते हैं ध्यान से, ये पावर की आउटपुट की लीड जो आपने प्री की आउटपुट में लगानी है। ये देख सकते हैं यहाँ इनपुट है, ये पावर का जो इनपुट निकलेगा वो प्री की आउटपुट में आपने यहाँ लगानी है। और यहाँ मैं दिखा देता हूँ, आपने कैसेट प्लेयर चलाना है तो ये टेप वन के लिए प्ले एंड रिकॉर्डिंग है ये, तो मैंने तो इसमें प्ले में ही लगाया हुआ है। टेप के लिए प्ले से एक लीड लेके आपको यहाँ लगानी है, जो कि आपका ये कैसेट प्लेयर चालू हो जाएगा। रिकॉर्डिंग अगर अलग से भी आपको करनी है किसी सिस्टम से, तो यहाँ इन पे लगा के यहाँ भी लगा सकते हैं एक लीड इसमें एक्स्ट्रा। ये मैंने यूएसबी प्लेयर अपना सीडी ऑप्शन में लगाया हुआ था, देख सकते हैं। और ये ट्यूनर के लिए, ट्यूनर की आपको एक लीड यहाँ से लगा के इसके ट्यूनर में यहाँ तक लगानी है आउटपुट में। और बाकी ये तो कनेक्शन ईजी हैं। और कोई दोस्त मेरे अगर कनेक्शन पूछना चाहते हैं सही तरीके से, वैसे मेरी वीडियो में सब कुछ प्रॉपर बता ही रहा हूँ मैं, तो मुझसे अलग से भी व्हाट्सएप में मैसेज करके या अपने यहाँ सिस्टम को फिट करके वीडियो कॉल से भी पता कर सकते हैं कि कनेक्शन कैसे करने हैं। तो आपने समझ ही लिया होगा, ये ट्यूनर के कनेक्शन, इसकी आउटपुट जाएगी इस एम्पलीफायर की प्री में, ट्यूनर में। सीडी एक्स्ट्रा, फोन सीडी कुछ भी चलाना चाहते हैं उसके द्वारा तो यहाँ ले सकते हैं। ये टेप की लीड एक जा रही है, वो यहाँ लगा सकते हैं आप, दो लीडें भी लगा सकते हैं यहाँ। और मॉनिटर इसमें एक और दो, दो मॉनिटर हैं इसमें। बाकी ये ऑडियो वीडियो के भी इसमें ऑप्शन हैं, वीडियो से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं आप। ये देख सकते हैं VCR डेट आपने यहाँ लगाना है, यहाँ से इसमें वीडियो भी इसमें हो जाएगा, प्री में लग जाएगा। तो बाकी ये आउटपुट की लीड तो आपने यहाँ देख ही ली, आउटपुट है ये कैसेट प्री की, इसकी एम्पलीफायर प्री की। ये आउटपुट लेके आपको इसके पावर की इनपुट में लगानी है, तो इससे फंक्शन सारे चालू हो जाएंगे। बाकी आपको फोन और टर्न टेबल चलाना हो तो टर्न टेबल आप यहाँ से चला सकते हैं, टर्न टेबल की ग्राउंड यहाँ से ले सकते हैं। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा, अच्छी कंडीशन में मेरे पास ये प्रोडक्ट आया है। ये मेड इन जापान का प्रोडक्ट है, देख सकते हैं मेड इन जापान। बाकी एक ही इसका ज्वाइंटर है, जो कि आप इसकी जगह यहाँ इक्वलाइजर भी लगा सकते हैं, वैसे ये ज्वाइंटर ही है। इसमें अगर ना लगाना चाहें आप तो आगे से प्रोसेसर ऑफ कर देना, ऑन करेंगे तो ज्वाइंटर लगाना पड़ेगा आपको। ये इसका पावर का, ये हैवी पावर है इसमें, पावर एम्पलीफायर। इसके लिए फ़ैन भी दिया हुआ है कंपनी ने, ये देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा इसके कनेक्शन के बारे में। और अगर जिस भाई ने समझा नहीं हो और जो इसको लेना चाहते हैं तो मुझसे पता भी कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सअप पे या वीडियो कॉलिंग से बता भी दूंगा। तो चलिए अब इसकी प्राइस आपको बता देता हूँ। तो देखा दोस्तों, आज का आपने हमारे प्रोडक्ट बिल्कुल नई कंडीशन में मेरे पास, ये एक सिस्टम चार पीस में, जिसमें एक पावर एम्पलीफायर, एक प्री एम्पलीफायर, एक डबल कैसेट प्लेयर जो कि ऑटो रिवर्स, एक डिजिटल ट्यूनर। और दोस्तों इसका पावर एम्पलीफायर 110 में है, यानी 110 वाट पर चैनल में है। ये 110 वाट का पर चैनल है, ये 4 चैनल में है। पावर एम्पलीफायर काफ़ी हैवी है और पावर सप्लाई तो 220 में ही है, आप आसानी से 220 से ही चला सकते हैं इसमें, जो कि इंडिया में हमारी नॉर्मल सप्लाई चलती है। तो बाकी आपने कंडीशन देखी, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मुझे सब आपको बताना था इसका कनेक्शन के बारे में और इसकी पूरी डिटेल। तो ये जिस भाई ने लेना हो, परचेज़ करना हो, तो मैं लाया भी आपके लिए आज बहुत रिजनेबल प्राइस पे हूँ। ये 4 रैक सिस्टम मैं आपको देता हूँ 35,000 ओनली, 35,000 रुपये में। और अगर मैं इसको अलग अलग सेल करता तो उसको उसमें मुझे ज़्यादा बचत हो जाती, लेकिन मैंने सोचा आज आपके लिए ये बढ़िया सिस्टम कंप्लीट, थोड़ी कम बचत में कोई बात नहीं, मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी सेवा तक, जो चारों पीस आप एक साथ लगा कर इसमें कंप्लीट सिस्टम लगा सकते हैं। आपको अब इसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कैसेट प्लेयर मिलता है, ट्यूनर मिलता है और एक पावर एंड एक प्री एम्पलीफायर मिलता है। तो देखा दोस्तों आपने, आज का बहुत बढ़िया प्रोडक्ट था, ये डील आपके लिए बहुत बेहतर होगी, आप इसे ले सकते हैं। और लेने के लिए आप मुझसे मिल सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।